सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा स्वर ई। हमने पढ़ा स्वर ई से शुरू होने वाले शब्द और उसकी बनावट। आज की हिंदी की कक्षा में हम सीखेंगे स्वर ई पांच रेखा की किताब में कैसे लिखा जाता है। पर उससे पहले ई स्वर से शुरू होने वाले शब्दों को फिर से दोहराते हैं। कौन सा स्वर है ये? ई। ई त्र इत्र, ई मारत इमारत, ई मरती इमरती, ई लैची इलायची, इमली इमली, इत्र इमारत इमरती इलायची इमली। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, स्वर ई से शुरू होने वाले शब्दों की कहानी। चलिए सुनते हैं। एक ऊंची इमारत में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था इशिका। एक दिन इशिका स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने देखा कि उसके कपड़े इस्त्री करने वाले हैं। उसने अपनी मम्मी से कहा कि उसके कपड़ों को इस्त्री कर दो। जब वो स्कूल के लिए तैयार हो गई तो उसकी मम्मी ने उसके लिए नाश्ता लगाया, और नाश्ते में जानते हैं क्या था? इडली। इशिका को इडली बहुत पसंद आई। उसने इमली की चटनी डालकर इडली खाई। फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आज उसके स्कूल में संगीत का कार्यक्रम था और वो संगीत कार्यक्रम में इनाम जीती। और जानते हैं इनाम में उसे क्या मिला? एक तारा। चलिए अब देखते हैं इस कहानी में ई से शुरू होने वाले शब्द। इमली इमली, इडली इडली, इस्त्री इस्त्री, इमारत इमारत, इतारा इतारा, इनाम इनाम। चलिए अब हम सीखेंगे स्वर ई पांच रेखा की किताब में कैसे लिखा जाता है। बच्चों, ये है हिंदी की पांच रेखा की किताब। हिंदी के स्वर हम नीली रेखा में लिखते हैं। चलिए देखते हैं स्वर ई कैसे लिखा जाता है। पहली नीली रेखा से हम एक छोटी सीधी रेखा बनाएंगे और उसके साथ एक आधा गोला दूसरी नीली रेखा तक। फिर वहीं से आगे चलते हुए हम एक और आधा गोला बनाएंगे तीसरी नीली रेखा तक, और फिर उसे घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा,
और फिर सबसे ऊपर की नीली रेखा में एक सोती हुई रेखा, स्वर ई। चलिए फिर से लिखते हैं। पहली नीली रेखा से नीचे की तरफ एक सीधी रेखा और एक आधा गोला दूसरी नीली रेखा तक, फिर वहीं से आगे चलते हुए उल्टी तरफ एक और आधा गोला तीसरी नीली रेखा तक, और अंत में गोल घूमते हुए नीचे की तरफ एक रेखा, फिर सबसे ऊपर नीली रेखा पे एक सोती हुई रेखा। छोटी सीधी रेखा, आधा गोला, फिर दूसरी तरफ आधा गोला, अंत में घुमाकर नीचे की तरफ एक रेखा, फिर सबसे ऊपर एक सोती हुई रेखा, स्वर ई। तो बच्चों, हिंदी की आज की कक्षा में हमने सीखा स्वर ई, उससे शुरू होने वाले शब्द, ई स्वर के शब्दों की कहानी और स्वर ई पांच रेखा की किताब में कैसे लिखा जाता है। अगली हिंदी की कक्षा में हम एक नया स्वर सीखेंगे।